छठी मैया की जय। काचही बांस के बहंगिया बहंगी लचकते जा बहंगी लचकते जा बाट जे पूछे ना रे बतोहिया बहंगी के करा के जाई बहंगी के करा के जा अरे तू तो आंधर हऊ बटोहिया ए बहंगी छठी मैया के जाए बहंगी छठी मैया के जाए सोगा गिरे मुरझा
वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्वांचल जन एकता मंच पिंजोर कालका द्वारा बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास से छठ पूजा महापर्व का आयोजन किया गया। छठ पूजा महापर्व को लेकर कबीर मंदिर के पास बने तालाब को घाट के रूप में सजाया गया। घाट को सुंदर लाइटों से सुसज्जित किया गया, जिसकी शोभा देखते ही बन रही थी। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हल्का कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। जानकारी देते हुए पूर्वांचल जन एकता मंच पिंजोर कालका के सदस्य सुधीर चौधरी ने बताया कि यह चार दिन का पर्व होता है, जिसमें आज तीसरे दिन डूबते हुए सूरज की पूजा की गई और शुक्रवार सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देकर उसके तत्पश्चात हवन कर पूर्ण आहुति डाली जाएगी। मंच के सदस्यों द्वारा शक्ति रानी शर्मा को स्मृति चिन्ह देते हुए और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर शक्ति रानी शर्मा के साथ भाजपा वरिष्ठ नेता तरसेम गुप्ता, पार्षद संजीव कौशल, नराता राम, भवनजीत सिंह, भाजपा युवा नेता चिंतन वर्मा, करण जोशी भी मौजूद रहे। वहीं शक्ति रानी शर्मा ने सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि आने वाले वर्षों में छठ के पर्व को लेकर उनके द्वारा घाट की उचित व्यवस्था करवाई जाएगी, ताकि और भी धूमधाम से यह पर्व मनाया जा सके। इस मौके पर संस्था के प्रधान आरएस यादव, चीफ पैटर्न जीपी सिंह, संगठन सचिव अशोक साहू, सुधीर चौधरी, संजय सिंह, धर्मेंद्र धर्मराज, अमरेंद्र बाहुबली सहित अन्य गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। जन एकता मंच की ओर से आयोजित प्रोग्राम बहुत है और आज बहुत ही सुंदर पर्व और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। छठ मैया के आशीर्वाद लेने के लिए सब मेरी यहाँ बहनें, बेटियाँ, बहुएं पहुँची हैं। मैं उनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई देती हूँ और आशीर्वाद भी देना चाहती हूँ कि उनकी पतियों की दीर्घायु के लिए। सुबह से व्रती हैं, हाँ सुबह से व्रत रखा हुआ है और कल सुबह तक जाके ये उड़े, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ और आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि हर इसी तरह अपना त्यौहार मनाए और जो एकता का स्वरूप यहाँ देखने को मिला है, यहाँ पर जिस तरह से प्यार और सद्भाव देखने को मिल रहा है, मैं आप सबको दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके इस छठ पूजा करने के लिए जो सुविधाएं आप लोगों ने मुझे अभी सुझाई हैं, मैं उनके ऊपर जरूर ध्यान देके उनको करवाने का पूरा प्रयत्न करूंगी अगले वर्ष, ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे सुचारू रूप से पर्व मना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाँ जी मैडम जी, आज आप यहाँ पर आए हो छठ पूजा के अंदर, तो क्या आप संदेश देना चाहोगे? आज छठी माता का व्रत है और मेरी बहनों ने, बेटियों ने, बहुओं ने, सबने व्रत रखा हुआ है और पूजन अर्चना करिए, सूर्य देव का अर्घ दिया है और प्रार्थना की है अपने सुहाग की लंबी आयु की। मैं भी उनके साथ उनके बीच में जुड़ने आई हूँ और आशीर्वाद देने आई हूँ उन सबको। हमने जहाँ जहाँ पे इनके प्रोग्राम्स होते हैं, बिल्कुल उनको अपने प्रोग्राम करने के लिए जो आस्था है उनकी, उनको पूर्ण करने के लिए जो उनकी बाधाएँ हैं, जो उनकी कमियाँ हैं, उनको पूरा करना है और मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि वो सब मैं अगले वर्ष जब इनकी पूजा होगी तो उसमें बहुत सुधार नजर आएगा आपको। सात आठ जगह ये कार्यक्रम रखा गया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है हमारे पूर्वांचली भाई बहनों के लिए, तो मैं उसमें भाग लेना आवश्यक था मेरे लिए, क्योंकि मैं इनको दिल से ही दुआएं देना चाहती थी, जिनके पास जाके मिलना चाहती थी और उनको आशीर्वाद। आज का कार्यक्रम पूर्वांचल जन एकता मंच की तरफ से हर साल की भांति सूर्य उपासक सूर्य देव जी की पूजा, डूबते हुए सूर्य को आज पूजा किया है और ये छठ महापर्व के नाम से जाना जाता है, जिसको हम चार दिनों में संपन्न करते हैं और आज हमारा सूर्यदेव जी का तीसरा दिन जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देके किया गया है और कल इसको उगते हुए सूर्यदेव जी को अर्घ देके समापन किया जाएगा, तत्पश्चात हम हवन करके और इसको पूर्णाहुति करेंगे इस पूजा को। तो शक्ति रानी जी आए तो आप उनके पर क्या कहना चाहोगे? शक्ति रानी शर्मा जी अभी इस क्षेत्र के माननीय
विधायक हैं और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो इतना बिजी शेड्यूल में इतना क्षेत्र में जो मरावला से और यहाँ पिंजौर कालका क्षेत्र इतना बड़ा है उसमें शेड्यूल निकाल के हमको लगता है सबसे ज़्यादा समय और इस घाट पर दिए हैं, जिन्होंने यहाँ आके पूरा घाट का परिक्रमा किया, उन्होंने पौधारोपण किया और हम सबसे इतना मिलने जुलने में इतना समय लगाया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको, उनका आभार प्रकट करता हूं। तो मैडम ने बताया कि जैसे कि उन्होंने यहां पर आपके प्रोग्राम में देखा और अटेंड भी किया, तो कह रही इससे अगले साल इससे भी बढ़िया बनाए, उनके बारे में क्या कहना? ये मैडम की बहुत एक बरप्पन कहा जाए कि मैडम ने इन्होंने जो सिचुएशन देखा, उन्होंने जो घाट का परिक्रमा लिया, यहाँ जो पूरा व्यवस्था देखा, उसमें उस व्यवस्था को देखते हुए अब उनके मन में है कि हम इससे अच्छा और क्या करेंगे, वो उनकी भावना को मैं कदर करता हूँ और आने वाले समय में ये तो निश्चित है कि हमारे पास जगह का थोड़ा अभाव है, जो छठ व्रतियों और जो श्रद्धालु हैं उनको थोड़ा तो दिक्कत हो रही है, लेकिन हम निश्चित तौर पर उनका सहयोग से और पूर्वांचल जन एकता मंच के सहयोग से हम इससे अच्छा करेंगे और इसको विस्तारीकरण से और छठ पूजा में और पानी और तालाब को और बड़ा करके हम व्यवस्था करेंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। छठ पूजा कई संदेश लेके समाज में आती है, या पर्यावरण संरक्षण को लेकर है, सामाजिक समरसता को लेकर है। आप देख सकते हैं इस घाट पर ना किसी की जाति पूछी जा रही है ना किसी की बिरादरी पूछी जा रही है। हमारे हिंदू समाज में जैसी की मान्यता है कि 36 जातियां हैं, आज 36 की 36 जातियां मैं समझता हूँ कि यहाँ मौजूद हैं, जो समाज को तोड़ने वाली शक्तियां काम करती हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ के निरस्त हो जाती हैं, यहाँ के ढल जाती हैं। आज किसी भी व्यक्ति के मन में यह भाव नहीं है कि मैं ऊंची जाति से हूँ नीची जाति से हूँ, यहाँ सब एक घाट के ऊपर अपना सूर्य को अर्घ देंगे, सुबह अपना व्रत खोलेंगे। यह सामाजिक समरसता को बढ़ाने वाला पर्व है और ये पूरे देश में नहीं विदेशों में भी आज के समय में मनाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर अपने पिंडर रोड में कितने बना रहे हैं, ये कितने साल से बना रहे हैं यहाँ पर? जैसा कि मेरी जानकारी के अनुसार यहाँ पिछले 15 वर्षों से ये जो है पूजन किया जा रहा है। मैं क्योंकि पिंजौर में अभी बाहर से आया हूँ, बाहर से आके यहाँ मेरा निवास हुआ है, तो जो मेरी अपनी जानकारी है उसके हिसाब से पिछले 15 वर्षों से बना रहे हैं, हो सकता है कि पहले से भी यहाँ मनाया जा रहा हो। तो जैसे कि यहाँ पर फ्री सेवा रखी है, बस की, ऑटो की, क्या यहाँ पर निःशुल्क रखी गई है? हाँ जी, ये जो हमारे व्रती उपासक यहाँ पिंजौर के लोहागढ़ से हैं या बद्दी क्षेत्र से आए हैं, बद्दी यहाँ से लगभग 35 या 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आने जाने के लिए निःशुल्क संस्था द्वारा या जो संस्था के सहयोगी हैं उनके द्वारा यहाँ पर व्यवस्था रखी जाती है। सुबह जब व्रत, जो अपने व्रती उपासक है सुबह जब व्रत खोलेंगे तो उनके व्रत खोलने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, जैसे कि चाय की व्यवस्था की जाएगी या जो शरबत होता है उसकी व्यवस्था की जाएगी या अन्य जो भी फल फूल उपलब्ध कराए जाएंगे उनको। प्रेम से छठी मैया के और कहे के बाद छठी मैया के तो छिलाए लगल गंगा जी के घाट चारों लिपाए लगल हरी और दूबी और तो छिलाए लगल गंगा जी के घाट चारों लिपाए लगल और का कहे के बा हो खेला गल बापू जार चल है।
भैले हरिया के तेरा ये बिना दुखी ना पिन करके घाट